भारत देश हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक समरसता का पैरोकार रहा है। इसकी वानगी देश के कई स्थानों पर देखी जाती है। ऐसी कई मिसाल हैं जिनमें तमाम विविधता के बावजूद देश के दो खास समुदाय एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाते रहे हैं। इसकी ताज़ा तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिली, जहाँ आज भी रामलीला और दशहरे के आयोजन में मुस्लिम परिवार बढ़ चढ़ कर हिंदू समाज के लिए जतन करते हैं। भगवान राम और युगों पुरानी उनकी जीवन लीला आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। हर साल देश भर में भगवान राम का अक्स उन रामलीलाओं में नजर आता है। इन रामलीलाओं में हिंदुओं के साथ मुस्लिम कलाकारों का योगदान भी कम नहीं है। ऐसे ही भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे बैतूल के आबू भाई। 30 साल के युवा आबू बैतूल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके आज़ाद वार्ड में रहते हैं, जो राम बारात के लिए अपनी बग्गी सजाकर रामलीला के इस शाहकार में अपना योगदान दे रहे हैं। आबू भाई हर नवरात्रि में राम बारात की तैयारियों में जुट जाते हैं। उनकी माने तो उन्हें इससे बेहद खुशी मिलती है। जी, हम तो रामलीला मैदान मतलब 10-15-20 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे भाई मतलब दादा के ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। पहले घोड़ी लगती थी, फिर बग्गी लग रही है, हमारे भाई के बाद हमने संभाले। कैसे तैयारी करते हैं आप? सर, इसकी तैयारी हम 2 दिन पहले से करते हैं रामलीला की, जैसे नहलाना धुलाना, बग्गी को साफ सफाई, बग्गी धोना, मतलब सब मेंटेनेंस करके पहले से रखते हैं। जब आप जाते हैं वहाँ, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है, थोड़ा सा हम सहयोग करते हैं हमारे भाई लोगों को। क्या देते हैं, कुछ शुल्क लेते हैं आप? ये तो वो जो दे दे हम खुशी से रख लेते हैं। वैसे बारात में तो हम लेते 11,000-10,000 रुपये, हमारे भाई जो देते हैं हम उसको खुशी से रख लेते हैं। 2,100-2,500 जो दे दे। तो हिंदू समाज के इस त्यौहार में आप लोग सहयोग करते हैं, तो कैसा लगता है? हम तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये तो अभी हो रहा है हिंदू मुसलमान, हम तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं काम, और हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम तो सहयोग इनको आगे तक के करते रहेंगे। दरअसल आबू का पुश्तैनी धंधा ही घोड़ा गाड़ी चलाना रहा है। जब बग्गी नहीं होती थी तो रामलीला की राम बारात के लिए अपने घोड़ों को सजाकर उनके बड़े भाई रामलीला मंच के लिए जाते थे। अब वही परंपरा आबू निभा रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से शुरू हुई इस रामलीला के 62 सालों में अब तक हर आयोजन में मुस्लिम परिवारों की मदद मिलती रही है। अविभाजित भारत यानी अब के पाकिस्तान में इस रामलीला की शुरुआत की गई थी। इस आयोजन में रावण के पुतले बनवाना हो, मंचन के लिए बेरीगेटिंग करना हो, या फिर राम बारात की बग्गी सजानी हो, रामलीला के हर अध्याय में मुस्लिम समाज से जुड़े परिवारों की खासी मदद मिलती रही है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतर मिसाल कहना गलत नहीं होगा। देखिए, श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति का हमारा यह 62वां वर्ष है, और मंदिर विवाद तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। हम दोनों भाई मिलजुल के इस आयोजन को करते आ रहे हैं। 62 वर्ष में हमारा चोली दामन का साथ रहा है, चाहे रावण बनाना रहा हो, चाहे बैरिकेटिंग रही हो, चाहे हमारे भगवान की बारात में बग्गी रही हो, नाना प्रकार के चाहे मंच बनाना हो हमारा रामलीला का, इसमें हमें मुस्लिम समाज का भरपूर साथ मिलता है, और बढ़ चढ़कर वो लोग हमारा साथ देते हैं हर कार्यक्रम में। 7 दशक के हर नवरात्र के पहले शुरू होने वाली यह रामलीला लोगों के लिए इतनी खास है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम तक इसके आने का साल भर इंतज़ार करते हैं। तौसीफ अकबानी उन्हीं में से एक है। कभी बचपन में रामलीला देखने के लिए अपनी सीट रिजर्व करने वे शाम से ही बैठने का बोरा मैदान में बिछा आया करते थे। आज भी रामलीला का मंचन देखने का जज्बा उनमें वैसा ही बाकी है। तौसीफ की माने तो दोनों समुदाय में कोई विरोध नहीं है। उनका मानना है कि सोशल मीडिया के अलावा कहीं कोई तनाव ही नहीं है। रामलीला एक्चुअली हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब हमें समझ नहीं थी, जब से रामलीला देखे जाए देख रहे हैं हम लोग। और पहले तो ऐसा करते थे हम लोग कि हम जाके वहाँ बोरा बिछा देते थे कि हमारी रिजर्व सीट रिजर्व हो जाए। तो उस ज़माने से हम रामलीला देखते आ रहे हैं, और जितने ये लोग रामलीला करवाते हैं पंजाबी समाज, ये बचपन से हमारे दोस्त थे, हमारे सुख में दुख में वो हमारे साथ रहते हैं, उनके सुख में दुख में हम उनके साथ रहते हैं। और ये तो गंगा जमुना की तहजीब है कि बरसों से चली आ रही है, इससे हमारा भाईचारा भी बना रहता है और शहर का माहौल ही बढ़िया रहता है। रामलीला जब आप लोग देखने जाते हैं तो और उसके अलावा भी कोई मदद करते हैं जब मंचन वगैरह में? हर चीज़ में जो सहयोग उन्हें लगता है हमसे, हम उनसे कहते हैं, हम उनसे करते हैं, और हमें अगर कहीं सहयोग उनका लगता है तो वो भी एक पैर पर भक्त हमारे पास आते हैं। अभी जिस तरह से ये पूरी विवाद की छाया चल रही है राम मंदिर को लेकर, तो आपको लगता है कि ये सहयोग वैसे ही बना रहेगा, वैसे ही प्रेम बना रहेगा? वैसे ही रहेगा, हमेशा वैसे ही रहेगा। आज हम लोग शाम को दुकान जब हमारी सबकी बंद होती है, तो पंजाबी समाज के सब लोग और हम
मेहमान समाज मुस्लिम समाज के सब लोग हमें आगे चौक यहाँ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया और न्यूज़पेपरों से दूर रहें तो उसमें पता नहीं लगता कि देश में क्या हो रहा है, कि सबसे भाईचारा ही है। पर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर ने थोड़ा माहौल ख़राब कर दिया है, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पे बातों पे ध्यान ना दे, अपना जो भाईचारा है वो बनाए रखें हमेशा। कोई भी कुछ भी फैसला है जी 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे घर के पास बाजू में मस्जिद है, मैं वहाँ जाता ही नमाज़ पढ़ने, अगर आयत में मस्जिद बन जाए मैं नमाज़ पढ़ने क्या जाऊँगा। और अगर मेरे भाई कोई दोस्त मेरे भाई है माने हेमंत बत्रा जी, उनके बाजू में मंदिर है, वहाँ मंदिर जब बाजू में नहीं जा पाते हैं तो वहाँ क्या जाएंगे। तो इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ये एक राजनीतिक स्टंट है, तो सब लोग से दूर रहें। इस तस्वीर से साफ होता है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी मजबूत इतनी मुकम्मल है कि कोई फैसला कोई विवाद इसकी बुनियाद नहीं हिला सकता। ये गुलिस्ता ऐसा ही खिलता रहेगा। जयसार के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।